मेरा इस पिक्चर में जो इंस्पिरेशन, वो खड़े हुए हैं सामने, ये थे और मैं तो लिख रहा था, लेकिन उसके पीछे यही थे कोई शक। कैसे उपज हुआ इसका? इसकी भी बड़ी कहानी है साहब। हुआ क्या था, किस्मत हमारी अच्छी थी। बहुत ज़माने पहले एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर साहब के साथ हमारी सीटिंग हुई थी, जहाँ अनु मलिक साहब ने बहुत सारी ट्यून सुनाई थी। खैर वो हो गया, हम लोग की किस्मत अच्छी थी तो हमने उनके साथ काम नहीं किया। फिर वो ज़माना गुजर गया और फिर एक दिन हम बैठे थे कि जब बात हो रही थी कि इस सिचुएशन में ये गाना चाहिए, तो मुझे अचानक याद आया कि इन्होंने वो ट्यून सुनाई थी, हम लोग सनी साउंड में थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैंने कहा आप ये वो जो ट्यून थी वो आप सुनाएं। तो जे पी दत्ता साहब ने सुनी और उन्हें पसंद आई, उसके बाद फिर उस पर हमने गाना लिखा। अच्छा मुझे क्यों वो ट्यून क्यों, इनकी तो बहुत सारी ट्यून बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए याद आई थी कि जो गाने की और सिचुएशन की डिमांड में थी उसमें बहुत सारी बातें लिखनी थी, तो फिर ट्यून भी ऐसी होनी चाहिए थी कि जहाँ पे जगह हो लिखने की। तो इस ट्यून में थी तो चलती रहती है, छोटे छोटे लाइन हैं लेकिन बहुत हैं, तो उसमें फिर स्ट्रोक्स में आप लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा, लेकिन जब लिख लिया तीन अंतरे लंबे लंबे, तो मुझे ख्याल हुआ कि वाइंडअप नहीं हुआ गाने का, तो मुझे याद है कि मैंने अपनी तरफ से फ्री वर्स में लिख लिया, ऐ गुजरते वाली हवा बता, ये जो है ट्यून में नहीं था। तो हम गए साहब सिटिंग हुई, तो हमने कहा ये लिखने के अलावा मैंने तो कुछ और भी लिख लिया, और वो ऐसा है कि फ्री वर्स में है तो परसों तो रिकॉर्डिंग हो नहीं पाएगी, अभी इनको तो कंपोज करना पड़ेगा, और फ्री वर्स को कंपोज करना आसान काम नहीं। तो हम लोग बात ही कर रहे थे क्या करें क्या ना करें, बाय दैट टाइम अनु मलिक साहब उसे कंपोज कर चुके थे। तो ये है उसकी कहानी। और मैं इतना ऐड करना चाहता हूँ कि वो वर्ड्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया, खास करके ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे, वहाँ रहती है मेरी बूढ़ी माँ। इट इवोक्ड अ पैशन इन माय हार्ट, आई गॉट इमोशनल, और उस वक्त मुझे ये लफ्ज़ इतने अच्छे लगे, और वहाँ से ट्यून बहती गई और सडनली जावेद साहब की तरफ देखा मैंने, और जावेद साहब की तरफ देखा, दे रिएक्टेड एंड सेड गाना तो हमारे हाथ में आ गया। And I think it was composed within 7 to 10 minutes, that idea. और फिर काफी singers थे उसमें, रूप जी थे, नहीं दो ही थे, हम और सोनू जी थे। ये गाना जो है ये visually अगर आप इसको सुनते हैं तो आपको visual सामने नज़र आते हैं, तो किसी director के लिए बहुत आसान हो जाता है जब lyrics इतने अच्छे हों उसको picturize करने के लिए। तो आधा काम से ज़्यादा 75% तो जावेद साहब ने मेरा काम कर दिया था। तो मेरे को शॉट लेने में कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि खुद ही वर्ड्स मुझे विजुअल्स दिखा रहे थे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे तालमेल होता है, कभी कभी बैठ जाता है तो अच्छा लगता है।